हाय एवरीवन, वेलकम टू जनक्स ट्यूटोरियल। सो आज का टॉपिक होने वाला है गाइस, फोर्स क्या होता है, क्या समझते हैं आप फोर्स से। फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो खींचना या धक्का देना, मींस या तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना, क्या कहलाता है फोर्स। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मुझे कहना है सपोज कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 इज द मैग्नीट्यूड, एंड मैं इस पे लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये डायरेक्शन भी हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी जहां होता है और डायरेक्शन भी होता है, और जो वैक्टर सम को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, वैक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी, दैट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज, अब फोर्स से क्या क्या होता है, मीन्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है। किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देना और रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देना, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना, और अगर कोई मोशन में है ऑब्जेक्ट तो उसको रेस्ट में लाना, ठीक है, शेप को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसकी शेप चेंज हुई, इसका साइज चेंज हुआ, तो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इस पे फोर्स एग्जर्ट किया। तो फोर्स की हेल्प से हम किसी के शेप को, किसी के साइज को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी शेप को चेंज कर रही हूं, तो फोर्स की हेल्प से हम किसी की शेप को, किसी के साइज को चेंज कर सकते हैं, दैट्स क्लियर एवरीवन। फोर्स से हम किसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स करूंगी, अपने फोर्स एग्जर्ट करूंगी अपने बॉडी पे, तो देखिए मेरा बॉडी किधर जा रही है, इधर जाऊंगी तो इधर जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दैट्स क्लियर एवरीवन।